हमारे टाइम पे तो ऐसा आता था जब मैं 10th में था, मुझे इसलिए आइडिया नहीं था इसलिए पूछ लिया कि नॉवल के क्वेश्चन आ जाते थे इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में, तो उसमें क्या रहता था, स्टोरी रहती थी, तो अब वो पूरी नॉवल कौन पढ़े इस टाइप से रहता था ना बचपन में, तो उसके लिए क्या करते थे, एक क्लास का जो टॉपर रहता था उसको बोलते थे आओ जरा ठीक है बैठो यहाँ पे, वो क्या करता था, वो सबको एक पूरी की पूरी कहानी सुना देता था, कहानी सुना देता था, और अगले दिन एग्जाम देने जाते सब बच्चे उस कहानी के बेसिस पे आंसर तो लिख के आ ही जाते थे इंग्लिश में, क्योंकि सबको कहानी का आइडिया रहता था। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है ना कि आप उस पॉइंट पे हो जहां आपने सब कुछ पढ़ लिया, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमने एग्जाम पैक में डिस्कस कर लिया, चैप्टर फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ हो गया है, आपके टाइम में आते थे, मेरा कोई ऐसा प्राचीन काल से नहीं आया हूं, मुझे बोल रहा है आपके टाइम में आते थे पुराने जमाने में। ठीक है, मेरे टाइम में मतलब आज से 4-5 साल पहले जब मैंने 10th, 4-5 तो नहीं ज्यादा होगा, 7 साल पहले जब मैंने 10th दी थी तब ऐसे ही हुआ करता था कि हमें वो आते थे क्या, वो आ जाते थे नॉवल्स इंग्लिश वाले, और उसमें स्टोरी पढ़ के, या फिर कह सकते हैं नॉवल बेस्ड क्वेश्चन होते थे, 10 नंबर आता था, जैसे 100 मार्क्स का पेपर होता था ना, तो उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन वहीं से आते थे, तो वही होता था, उसमें क्या करा जाता था, कौन पढ़े पूरी बुक एक दिन, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ोगे। तो इनफैक्ट मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है, देयर वॉज वन ऑफ माई क्लासमेट, ठीक है, शी वॉज दी टॉपर, तो हम क्या बोलते थे कि ऐसा गोला बना के बैठ जाते थे, तो एक बार वो कहानी सुनाती थी पूरी की, इस नॉवल में देखो ऐसा ऐसा हुआ है, तो अपने हिसाब से फिर कहानी लिख के आ जाना आप भी। ठीक है, तो क्या करते थे, मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते थे, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते थे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे ना कि एक बार में कहानी भूल जाए, पढ़ाई वाली कहानी हो, तो क्या करते थे, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते थे, रात में सोने से पहले एक बार सुन लिया, सुबह उठ के एक बार सुन लिया, हाँ बस इस बेसिस पे तो हम करके आ जाएंगे, मैंने भी ऐसा किया था।